Hello aspirants, my name is Sumit Shukla and I am hereby welcome you to the social media platform of the Officers Career Academy. चलिए आज हमारा क्वेश्चन सेशन चालू करते हैं। आज हमारे साथ ऑफिसर्स करियर एकेडमी की एक कैडेट हमारे साथ जुड़ी है जो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। हेलो कैडेट, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। ओके, तो आपने ऑफिसर्स करियर एकेडमी के बारे में कहाँ से पता लगाया? आपको कहाँ से, क्या सोर्स था आपके लिए ऑफिसर्स करियर एकेडमी का? आमच्याकडले एक मुलगी ती हर्षाली नावाची, तिच्याकडूनच आम्ही म्हणजे विचारलं, सगळं माहिती घेतली तिच्याकडूनच। तिनेच आम्हाला सांगितलं की चांगलं आहे म्हणून आम्ही इथं आलो। और आप ऑफिसर्स करियर अकॅडमी के साथ कब से जुड़े हैं? कितना टाइम हो गया है आपको यहाँ आते हुए? सर रहते फोर्थ मंथ हो गए। अच्छा, चार मंथ। आपने जब ऑफिसर्स करियर अकेडमी ज्वाइन किया उसके बाद आप में अपने आप में क्या क्या चेंजेस देखे कि हाँ मुझ में यार ये नए नए चेंजेस आए हैं? पहला तो डिसिप्लिन सर। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम डिसिप्लिन, जैसे यहाँ की पढ़ाई के बारे में, आप पहले जैसे हो सकता है बहुत सारे कैडेट्स ऑफिसर्स करियर एकेडमी जब ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी वीक होते हैं, वो काफ़ी डाउन टू अर्थ फील करते हैं कि हाँ मेरे में बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ये नहीं सीख पा रही हूँ, जैसे हाँ, पढ़ाई में ज़्यादा वीक होते हैं या और भी बहुत सारे चेंजेस हुआ है सर, स्टडी में बहुत इंप्रूव हुआ है। ओके, तो आप यहाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट। ओके, तो किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के लिए आप अभी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हैं? आर्मी सर। ओके, आपने तो ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला, आपने कहाँ से सोचा कि हाँ मुझे आर्मी में ही जाना चाहिए? बचपन से मेरी ख्वाहिश है सर। ओके, आर्मी में जाने की। ओके, तो यहाँ स्केड्यूल क्या होता है आपकी स्टडीज़ को लेके? स्टडी को लेके कितने बजे लेक्चर्स चालू होते हैं, ग्राउंड में आपका क्या है, मतलब आप कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठते हैं सर। ओके, 6 बजे। हाँ, और लेक्चर्स कितने बजे से स्टार्ट होते हैं? सुबह 1 होता है सर। हाँ, फिजिक्स का। हाँ, और 3 बजे के बाद लेक्चर स्टार्ट होते हैं जी। तो 10 बजे के बाद आपके सारे लेक्चर्स होते हैं। और सेल्फ स्टडी के लिए आपको कितना टाइम दिया जाता है? सेल्फ स्टडी के लिए 8 बजे तक। हाँ, 10-15 बजे तक। ओके, आप OCA के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे यहाँ का आपका मैस का टाइमिंग क्या होता है, खाना कैसा रहता है? खाना तो बहुत अच्छा होता है सर। मंडे टू सैटरडे आपको जैसे क्या कोई स्पेशल डिश मिलती है आपको यहाँ? या सर, संडे को मिलती है चिकन। Okay. अच्छा, चिकन। और हाँ, तो क्या आपको चिकन पसंद है? यस सर, बहुत पसंद। और चिकन के अलावा कुछ मीठा में ऐसा कुछ आपको मिलता है यहाँ? मिठाई में हाँ, खीर मिलती है सर। खीर। हाँ, तो वो आपकी फेवरेट है या नहीं? थोड़ी बहुत सर। ओके, और यहाँ पर GTO ग्राउंड के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे, आपके ग्राउंड के सेशंस कैसे होते हैं, यहाँ का आपका फिजिकल टीचर कौन है? ग्राउंड तो बहुत अच्छा है, सचिन सर फिजिकल टीचर। ओके, तो आपका ग्राउंड के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कैसे कैसे एक्सरसाइज होती है, क्या क्या मतलब अपने मतलब डिप्स वगैरह हमारे तो नहीं थे, लड़कों तो रनिंग भी होती है, जॉगिंग। रनिंग कितना कराया जाता है आपको यहाँ ग्राउंड? जैसे एक मेरे ख्याल से किसी ने मुझे बताया था कि 400 मीटर का एक ग्राउंड है, तो आपको ग्राउंड के कितने चक्कर लगाए जाते हैं? पहले स्टार्ट में आए थे तभी 3 लगाते थे। हाँ? 5-7 लगा लेते सर। वाओ, मतलब आप अभी 6-6 चक्कर हाँ, भी लगाना चालू कर दे, मतलब 2.5 किलोमीटर आप एक दिन में इजीली कवर अप कर लेते हो। तो क्या आपके स्टेमिना बिल्डअप के लिए यहाँ आपको चना और सारी चीजें दी जा रही है? हाँ सर, दी जा रही है, सुबह नाश्ते में दी जा रही है। जी जी जी, और आपके रूम वगैरह के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, यहाँ का क्लीनलीनेस क्या है, कैसा है? अच्छा है, क्लीन रूम भी बहुत अच्छे है सर। तो ओवरऑल आपका लास्ट व्यू क्या रहेगा ऑफिसर्स करियर एकेडमी के बारे में जो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, और क्या मतलब? हाँ, जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर करियर बन सकता है जी, हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और आपको लग रहा है कि आप इस बार आप अपना SSC आर्मी GD का पेपर आप निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। ओके, जरूर निकालेंगे। हमारे तरफ से बहुत ज्यादा से ज्यादा शुभकामनाएं आपके करियर के लिए, आई होप आप अपने फ्यूचर में बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे। या सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू व्यूअर्स।